आप एक साधारण गृहस्थ हैं, साधारण गृहस्थ से मतलब जो बागवत की परिभाषा में असाधारण कौन है, जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये सब असाधारण श्रेणी के लोग हैं। आप जो हैं साधारण श्रेणी में आते हैं, तो साधारण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपनी जिंदगी को चलाना, बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले 7 दिन में अलग अलग समय पर आपको बताया, आज फिर उसको कह रहा हूँ, रिपीटिशन कर रहा हूँ ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए, ये सबसे जरूरी सबसे आवश्यक नियम। खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिए, 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं। खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर पेट का वो स्थान है जहां खाने का पाचन होता है, हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। तो जठर स्थान पर अग्नि प्रदीप्त होती है और ये अग्नि 1.5 घंटे तक ही रहती है। तो 1.5 घंटे तक पानी ना पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी, तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा, रस में बदलेगा। और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है, जैसे आप घुटी हुई खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी वैसे खाना बनता है, वो 1.5 घंटे में बनता है, फिर उसके बाद रस निकलता है। और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए, ये सबसे जरूरी सबसे आवश्यक पहला नियम। दूसरा नियम, पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए, ये मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए, आप जैसे लोगों के। आप में से थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो, धैर्य अपने जीवन में, तो आप ये चालू कर दीजिए, पानी घूट घूट घूट, जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके उतना, और मुंह में घुमा घुमा के ऐसे ऐसे कर करके। आप 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हूं, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया, माने वजन कम हो गया, आप कहेंगे पहले से अच्छी नींद आ रही है, आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है, आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए, जो घुटनों का, कमर का, कंधे का, जगह जगह, आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए, आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया, ऐसी 85 बातें आप खुद कहेंगे 6 महीने के बाद। आप करिए इसको, मैंने तो कई लोगों को बताया, साल साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा एक सहयोगी है, कल बेंगलोर में 140 किलो का था, 1.25 साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है। कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है, IT कंपनी में काम करता है, लेकिन इतना जरूर करता, पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पिएगा। ये अद्भुत है, इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है, कई बार तो चमत्कारिक रिजल्ट है। और कारण उसका क्या है? कारण उसका एक ही है कि घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है, पेट को हमेशा लार की जरूरत है, क्योंकि यहां एसिड बन रहा है, एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है, और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है, ब्रेन हेमरेज करा देती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप, गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं। आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है, सुबह का पानी हो या दोपहर का, शाम का, जब भी पिए घूट घूट भर के पानी। कैसे पिए? तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, अच्छा नहीं। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए।
हमारे भारत में, मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करे, भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है, गिलास नहीं है, ये गिलास जो है ना विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है, ये गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया, ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए तब से गिलास में हम फंस गए, गिलास अपना नहीं है, लोटा है, लोटा, लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवत जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं अच्छे, काम के नहीं है। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है, फर्क सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूं, पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं, पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं, दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया, दूध में मिलाया तो दूध का गुण, तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा लोटे का। अब लोटे का गुण क्या, लोटा गोल है ना, गोल है ना, और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, हर गोल चीज का चूंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है, इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं, हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है, तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है, सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर, इसी तरह से कुएं का पानी, कुआं गोल है ना सबसे अच्छा, ये सारे साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, आप जानते हैं, ना मिले तो बिहार कर जाते हैं, जहां कुआं मिलेगा वहां पिएंगे, देखा है ना आपने साधु संत, वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि कुआं गोल है, कुएं की सरकमफरेंस कम है और सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है, पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित रह, पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरा देखिए, आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है, कचरा उसी में जाके फंसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है, ये तभी संभव है जब सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं, तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं निकालेगा। मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं, आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आज घर जाइए और दूध लेके चेहरे पर लगाइए थोड़ी देर और 5 मिनट बाद रुई से पोछिए तो रुई काली हो गई है ना, कैसे, अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया, कैसे बाहर आया, वो दूध ने बाहर लाया। अब दूध कैसे बाहर लाता है, दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है, तो जैसे ही दूध आपने अप्लाई किया दूध ने इस त्वचा के सरफेस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा, तो यहां दूध ने सरफेस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया पानी करता है पेट में, यही सेम, आपने पेट में पानी डाला, बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन इसने कम कर दिया तो बड़ी आंत और छोटी आंत थोड़ी खुल गई और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया। और हाई सरफेस टेंशन का पानी पिए, ज्यादा सरफेस टेंशन का, तो आंतें सिकुड़ेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है, तनाव कम होते समय चीज खुलती है, तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा आंतों में अंदर बंद हो जाएगा। अब यही आपको मूल व्याध, बवासीर, भगंदर सब करेगा।
इसलिए सरफेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना, लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। तो गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है, गोल तालाब का पानी हो, तालाब भी गोल होते हैं ना, तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा, गोल कुएं का पानी बहुत अच्छा। तालाब से छोटी एक पोखर होती है, पोखर, अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा। नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा, क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो लंबी है, तो वहां का पानी हमेशा हाई सरफेस टेंशन वाला है, और नदी से ज्यादा खराब समुद्र का, और सबसे अच्छा पानी लोटे का। लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा। अब आप इसको प्रकृति में भी महसूस करेंगे, बारिश का पानी गोल होके ही नीचे आता है, माने बूंदें सब गोल हैं क्योंकि उनका सरफेस टेंशन हमेशा कम है। तो ये विश्लेषण लंबा चला जाएगा, लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो ये कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पिए। तो लोटे वापस लाएं घर में, लोटे ही निकल गए, अब गिलास घुस गए, और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खत्म हो गई जो लोटे बनाते थे, खत्म हो गए कि नहीं, कसेरे खत्म हो गए। गांव गांव में कसेरा शब्द समझते हैं, वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं। वो पीतल के लोटे बनाते थे, कांसे के लोटे बनाते थे, सब मर गए बेचारे हमारे गिलास के चक्कर में। तो बागवत जी को अगर मानना है तो लोटा लाए, गिलास थोड़े कम करें, पानी लोटे का बहुत अच्छा। आगे बढ़े, पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, ये मैंने पहले बता दिया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बैठ के पिए। फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी ना पिए, और इस ठंडे पानी का ये यहां पर भी एक विश्लेषण में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, और हर गुनगुने पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, और कम सरफेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है, इसलिए ठंडा पानी ना पिए। एक विश्लेषण में पहले दे चुका हूं कि पानी जैसे ही आप ठंडा पिएंगे उसका गुण है कि वो हर चीज को ठंडा करे, तो पेट को ठंडा करने की वो कोशिश करेगा। पेट ठंडा हुआ तो सारे ऑर्गन्स ठंडे हो सकते हैं और आप मर सकते हैं। तो पानी को पेट गर्म करेगा, फिर आप ये जान लीजिए, और पेट पानी को गर्म करेगा तो अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी उसको, और वो ब्लड में से ही आएगी, तो सारा ब्लड पेट की तरफ दौड़ेगा। और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार, तो हर बार ब्लड को पेट में भागना ही पड़ेगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा, हार्ट को ब्लड कम होगा, ऑर्गन्स को ब्लड कम होगा, तो वो कमजोरी आने ही वाली है, और हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप दुरुस्त रहने वाले। इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। तो हमेशा कैसा पानी पिए, गुनगुना पिए। एक समय के लिए बागवत जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती हो, आपके यहां तो पड़ती है मार्च अप्रैल मई जून, तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए। मिट्टी के घड़े के पानी को गुनगुना करने की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि मिट्टी से ज्यादा शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं। तो ये अब थोड़ा आगे चलें, आगे चलें, वो ये कि खाना जब भी खाएं, आपके लिए नियम है स्टैंडिंग पोजीशन, माने खड़े होकर कभी ना खाएं, हमेशा बैठ के खाएं, बैठने की स्थिति ये सबसे अच्छी है। कुर्सी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी स्थिति में बैठ के खाना खाएं, नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी ना खाएं। आप जैन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समझता, भक्ष और अभक्ष का ज्ञान सभी साधु महाराज देते हैं, साध्वी जी देते हैं। दूसरे लोगों के लिए कह दूं, दूध और दही साथ में नहीं खा सकते, विपरीत हैं। हालांकि दूध से ही दही बनता है, लेकिन दूध और दही की प्रकृति एकदम एकदम अलग है। दूध कुछ और काम करता है, दही बिल्कुल अलग काम। तो दूध दही साथ में ना खाएं, दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में ना खाएं। खीर खा रहे हैं तो दूध की है, तो कढ़ी नहीं खा सकते। कड़ी खा रहे हैं तो दही की है, तो खीर नहीं खा सकते। कुछ भी ऐसी वस्तु जिसमें दूध और दही उपयोग है वो साथ में नहीं। एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिल्कुल वर्जित है,
आप बिल्कुल साथ में ना खाएं, शहद अलग खाएं, घी अलग खाएं, शहद ना खाएं तो भी चलेगा, गुड़ खाएं। अच्छा, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं, शहद घी साथ में ना खाएं। गुड़ को बेहतर तरीके से अगर खाना चाहते, गुड़ तो वैसे ही सबसे बेहतरीन चीज है दुनिया की, लेकिन और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें जरूर घी मिला के खाएं। तो गुड़ घी चलता है, शहद घी नहीं कभी भी। इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फणस, कटहल दूध के साथ सबसे खतरनाक है। और मैंने कहा खट्टे फल जितने भी हैं, संतरा है, मौसमी है, वगैरह वगैरह, ये दूध के साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। एक ही फल है, बागवटे जी कह रहे हैं, जो खट्टा भी है और दूध के साथ जरूर खाएं, वो आंवला है। आंवला ये जरूर दूध के साथ खाएं। इसके आगे का एक नियम है, वो द्विदल वाला एक नियम तो बता ही दिया, द्विदल और दही ना खाएं, और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गर्म करें माने बघारें, तासीर उसकी गर्म करें फिर आप खाएं, नहीं तो ना ही खाएं तो अच्छा है। द्विदल खा रहे हैं तो एक डेढ़ घंटे बाद दही खाएं, छाछ अगर खा रहे हैं द्विदल के साथ तो एक आध घंटे के बाद पी लें, और अगर पीनी ही है तुरंत, प्यास नहीं रुक रही है, तो छाछ को बघारें माने उसमें अजवाइन हो, थोड़ा जीरा हो, हींग हो, उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है, तो आप ले सकते हैं। और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना 9:30-10 बजे तक, क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है, और शाम का खाना 5-6 बजे तक। ये मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया, बागवत जी ने कहा इसमें जलवायु का, मौसम का ध्यान रखना है, तो आपके हिसाब से माने आप चेन्नई में हैं तो 9, 9:30-10 बजे तक भरपेट खाना खाएं, शाम को 5-6 बजे तक भरपेट खाएं। बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो कुछ फल खा लें, नहीं तो अच्छी चीज बागवत जी ने जो कही है, सुबह का खाना जो 9-10 बजे खाएं, शाम का 5-6 बजे, उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं, शेंग दाना और गुड़ माने मूंगफली और गुड़ खाएं, माने उस समय आप चिक्की खाएं, क्योंकि गुड़ और चना, गुड़ और मूंगफली उसमें है। दोपहर को अगर भूख लग रही है, चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं, माने ज्यादा भी खा सकते हैं। बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सोंठ चाट लें या थोड़ी सोंठ खा लें तो उसका जो तासीर है वो तुरंत बदल जाता है, नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है। तो नाक से खून ना आए, थोड़ी सोंठ या अदरक, सोंठ इस्तेमाल करते हैं तो सोंठ, नहीं तो अदरक, उसके साथ ले। फिर आगे बागवत जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है, गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए, तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है। कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है, और जौ है, जवारी है, जवारी आप समझते, ज्वार, ज्वार, तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा, जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है, लेकिन गर्मी में भी खाना है, मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता, मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में, कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं, अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से। मजबूरी कैसी, कच्छ में सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है, स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं, यहां पर चेन्नई में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं,
ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहां होता है वो सबसे अच्छा है। तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मैं मानता हूं, जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किए, जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूं। और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। कारण मैं बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूल्य चीज है, वो अंदर ही जाए तो अच्छा है। तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाए। कितना पानी पिए, मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। पीने का तरीका वही है, सिप 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 करके पीना। और ये सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना। जी, ये मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए। और मेरी एक दूसरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें आज से। कुछ ने तो शायद शुरू भी किया है 2-3 दिन से, जरूर पालन करें। हो सकता है कि 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद मेरी आपकी फिर मुलाकात हो, तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करें क्यों, मैं आप सबको बागभट्ट का चेला बनाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने 6 साल में लिया ये साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए। क्यों, आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्थ रह ही सकते हैं, अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पड़ोसियों को भी रख सकते हैं। और बागभट्ट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वही मोक्ष का भागी है, माने भागीदार हो सकता है। तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें, वहां भी हम यही करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, देश भी अच्छा हो जाएगा। ये कहकर मैं अब प्रश्नों की तरफ चल रहा हूं। प्रश्न मेरे पास भरपूर आ चुके हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो प्रश्न एक बार उत्तर आ गया उसको दोबारा नहीं दूंगा, हो सकता है किसी व्यक्ति ने वो प्रश्न रिपीट किया। ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो रोगों से संबंधित हैं, इस रोग में क्या करें, उस रोग में क्या करें। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं सबसे आसान मानता हूं, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें। मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं, फिर दोहराऊं, आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं वो ये, जिनको भी डार्क सर्कल है सवेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है मुंह का लार है इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें, आपके सारे डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। और ये जो सुबह का मुंह का लार है इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं, खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें। कोई कहेगा कि बहुत ज्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है, और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को 4 बजे मिलें, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूंगा या लिखा दूंगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज, खुजली, दाग, धब्बे सब मिटा देंगे। वो व्यक्तिगत है। नींद बराबर नहीं आती, नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है, तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था, रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोएं। गाय का घी हल्का गर्म करके, जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचें, ज्यादा तेज नहीं, बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा, बहुत खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है। तो हल्का खींचकर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं, फिर नींद बहुत अच्छी आएगी, खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नींद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं,
अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे। रात में नींद कभी खुलेगी नहीं, 6 घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम। रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना, पेशाब आती है नींद खुल जाती है, घी डाल के सोएंगे तो रात को नींद कभी नहीं खुलेगी, 6, 6.5, 7 घंटे के बाद ही खुल। और बच्चों को तो जरूर करें, इससे और एक फायदा होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो अब एक ही कागज पर ये 3 प्रश्न थे, तीनों उत्तर दे दिए। अब आगे जिस कागज में ये प्रश्न आएंगे उत्तर नहीं दूंगा। अभी है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का ऊंचा दबाव, अस्थमा, पेट की कब्जी, और इसमें भी फिर आ गया है त्वचा का कालापन, वो मैं उत्तर दे चुका। अब मैं आ जाता हूं ब्लड प्रेशर हाई है। वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये काल्पनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ही जान लीजिए कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर कोई कह रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो समझ लीजिए इसको बागवती जी दूसरे सूत्र में कहते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब रक्त में अम्लता है तो अम्लता को खत्म करने के लिए क्षारीय चीज खाएं, क्षार चीज खाएं, क्षार। अब क्षार वाली चीजें क्या है? सबसे अच्छी क्षार की चीज है मेथी, सब्जी के रूप में भी और दाने के रूप में मेथी। दूसरी क्षार वाली चीज है, आप में से जैन है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन जो जैन नहीं है उनको बता देता हूं, गाजर। तीसरी क्षार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, सेब ये क्षारीय है, केला ये क्षारीय है, अमरूद ये क्षारीय है, कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है, ये सब क्षारीय है। सब्जियों में पालक क्षारीय है, बैंगन क्षारीय है, आलू के बारे में कहते हैं ना अम्लीय ना क्षारीय, वो बीच का है। तो जो सब्जियां आपको क्षारीय हैं और जो मसाले माने औषधियां क्षारीय, इनका उपयोग करें तो अम्लता अपने आप कम होगी, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ट्राइग्लिसराइड कम होगा, मोटापा भी कम होगा, सब कुछ कम होगा आपका। तो हमेशा याद रखें, तो मेथी दाने का उपयोग मैंने बता दिया है, पानी में डाल के रात को छोड़ दें, सुबह उठकर दाना चबा के खाएं, पीछे से पानी पिए। गाजर का उपयोग बता दिया, कद्दूकस में घिसें, गाजर ले लें और वो कद्दूकस की गाजर को खा लें। और क्षारीय चीज मेथी की सब्जी रोज खाएं, पालक की सब्जी रोज खाएं, हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारीय होती है, हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारीय होगी, और फल जिसमें रस नहीं है वो सब क्षारीय होंगे, बस याद इतना ही रखें। तो आप अगर उपयोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही, उसके साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, ट्राइग्लिसराइड कम रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट आपका कम होगा, और उसके अंत में हार्ट अटैक आएगा नहीं, ब्लॉकेज भी है तो निकल जा। और एक क्षारीय चीज मैं भूल गया बताना, लौकी, दूधी। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्षारीय कोई चीज है तो दूधी, माने लौकी ज्यादा खाएं, दूधी ज्यादा खाएं, और उसका रस भी पिए कच्ची दूधी का तो और अच्छा है, जितने भी हाई बीपी के मरीज हैं उनके। अस्थमा, अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायु के प्रकोप की बीमारी है, तो अस्थमा ज्यादा है, तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं, दालचीनी, ये क्षारीय है, दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ, शहद क्षारीय है, तो दालचीनी शहद, शहद नहीं ले सकते तो गुड़। ये जो नारियल होता है ना, नारियल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई, तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारीय है, और जो भी फल में रस है वो अम्लीय है, लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है रस होते हुए भी, तो ये क्षारीय है। अब ये क्यों है ये बाद का विषय। तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाइए, हरा नारियल खाइए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाइए। कितना खाएं जी? एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा। तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया, 3 महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा, वो 40 साल पुराना हो तो भी। इसके बाद हां, बाकी तो आंखों के। मुंह में छाले बहुत रहते हैं,
ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं, इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है। तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना, पानी उठते ही पिए, घूट घूट पिए, तो छाले अपने आप खत्म। जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी, छाले कभी नहीं आएंगे। और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है। उस दवा का नाम है बोरेक्स। सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना, सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है, तीव्र। इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स। तो ले लें किसी भी होम्योपैथी की दुकान से, खरीद लें 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, इसके तीन ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता है। पानी करेगा, धीरे धीरे करेगा। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है, लेकिन बागवट जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए, तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें, और अगर आप बहुत परेशान हैं तभी बोरेक्स का इस्तेमाल करें। और यह दवा हमेशा पानी में डाल के लें, एक बूंद डाल दें पानी में और उस पानी के तीन हिस्से करके उसको पी लें, एक कप पानी हो, आधा कप पानी हो, चौथाई कप पानी हो। अभी आगे का एक प्रश्न। अच्छा, गाय के मूत्र के बारे में मैंने आपसे कहा था, तो उस पर प्रश्न आए हैं चार पांच। गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई बीमारी है, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर गोमूत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए? मैं आपको विनम्रतापूर्वक एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो बता देता हूं। गाय को हमने 6 साल जहर खिलाया, एक गाय पर ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, 6 साल जहर खिलाया, सबसे खराब जहर खिलाया, उसका नाम है संखिया, अंग्रेजी में कहते हैं आर्सेनिक। तो हमने गाय को दिया, चारे में मिलाकर दिया, बहुत मामूली मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी। हमें यह देखना था कि ये थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है। तो 6 साल जिस गाय पर हमने ये प्रयोग किया वो गाय अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है और स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। हमने हर बार उसको संख्या दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया, आया कि नहीं आया, क्योंकि ऐसे कहते ना, खाओ तो सब कुछ आने ही वाला है मूत्र में और ब्लड में। तो 6 साल लगातार उसको संख्या खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में 1.0000 में चले जाए उतना भी संख्या कभी नहीं आया। अद्भुत है ये। अब मुझे पुरानी बात इसमें जोड़नी है, बहुत लोग कहते हैं ना गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, वो शायद शंकर जी ने पी लिया। शंकर जी तो मशहूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए, तो शायद गले में शंकर जी हैं गाय के, तो वहीं रुका। और सच में हमने ये देखा, इसमें मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो वो गाय कभी भी आके देख सकते। हमने उसके गले के आसपास महसूस किया 6 साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है, ब्लू कलर का, और वहां से ब्लड निकाला, उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संख्या है, माने आर्सेनिक है। गले के नीचे वो गया ही नहीं, गले में ही रुक गया, शंकर भगवान ने शायद रोक लिया। तो आप बेखटके गाय का मूत्र पी लीजिए। आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कचरा खा रही है, आप चिंता मत करिए, ये कचरा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक। भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है, लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसल्ली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो, साफ सुथरे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो, उसका मूत्र जरूर पिए, वो सबसे ज्यादा लाभकारी तो है। लेकिन कुछ मजबूरी आ गई, मजबूरी से मतलब मैं समझाना चाहता हूं, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां गाय कचरा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्ध चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो, और आप किसी बीमारी से तड़प रहे हैं, परेशान हैं, और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही, तो बिना संकोच के ले लें उसका, हानि तो नहीं करेगा, कुछ फायदा ही कर जाए। गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चेज हैं वो ये हैं कि इसके साइड इफेक्ट है नहीं। शरीर पता है क्या करता है, आपने मूत्र ज्यादा भी पी लिया तो ये शरीर 20 मिनट के बाद उसको पेशाब के साथ अपने आप ही निकाल देता है, रहने ही नहीं देता उसको।
तो थोड़ा ज्यादा पी लिया या खराब पी लिया वो निकल ही जाएगा, जो काम का है उतना ही रह जाएगा। अब गाय का ऐसा बना भगवान ने बनाया है, इसलिए भागवत जी कहते हैं कि ये विशेष तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया। तो गाय के बारे में इतना। अच्छा, अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है, अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनका एक ही साथ ये उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो, तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना, क्योंकि आप जिस स्थिति में है उससे भी ज्यादा खराब हो जाए। इस हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था, नहीं कराया, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमेरिका से उस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर राणावत, और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किए हैं। अटल जी को देख लीजिए आप, पहले तो थोड़ा चल लेते थे, अब तो चलना ही बंद हो गया, सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं। तो आप मत करिए, फिर आप बोलेंगे जी क्या करें, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन मत कराइए, आप क्या करें, अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन भागवत जी के हैं उनका उपयोग करिए। उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाइए, चूना क्षारीय है, अम्लता को कम करता है, ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है, तो चूना खाइए। खाने का तरीका मैंने बता दिया, दही में, छाछ में, पानी में, जूस में, और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशेंट 2 ग्राम खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी तो 1 ही ग्राम खाए, चूना खाइए। मेथी दाना लीजिए, क्षारीय है, और सबसे क्षारीय चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़। हार सिंगार देखा है, परिजात हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है, सफेद फूल और केसरिया डंडी, बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है, रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं, जो भी औषधियां, तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, 4-5 पत्ते पीसिए, पीसकर पानी में डालिए, खूब उबालिए, पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए, फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। तो ये कहीं भी मिल जाए, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुड़वांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बंटवा दीजिए, सब अपने घर में लगा लें, गमले में हो जाता है आसान, और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर, क्यों, ये हर घर में रहे पेड़। कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों, सुगंधी तो आएगी, नींद अच्छी देगा, जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजिए, और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा, और दोनों तरह की अर्थराइटिस, रूमेटिड और ऑस्टियो, दोनों ही खत्म होती है इस हार सिंगार के पत्ते से। आइसक्रीम कब खा सकते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और अगर आइसक्रीम खा ही रहे हैं, आप कहते हैं जी मन नहीं मानता, स्वाद है और मुंह को लग गया है, अब क्या, तो इसका एक उपाय बता देता हूं, आइसक्रीम खाइए और पीछे से गर्म पानी में घी मिला के पी लीजिए, तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे। ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सौंठ का काढ़ा, ये लोग जरूर पिए हैं जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है माने वायु के रोग हैं, वो दालचीनी का काढ़ा जरूर पिए, गुड़ मिला के, मूंगफली और तिल जरूर खाएं। भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्भुत वस्तु है। मैं तो आपको कहता हूं जिंदगी भर मोटापे से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, आपको अर्थराइटिस से बचना है, तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा चबा के। काला तिल मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफेद ही खाएं। और आप जहां रहते हैं यहां के लिए तो बहुत ही अच्छा, मद्रास जैसे एरिया के लिए। एसिडिटी कम करने के लिए क्या करें, अम्लीय चीज ना खाएं, क्षारीय चीज ज्यादा खाएं, एसिडिटी कम होगी, और पानी घूट घूट पिए, 1-1.5 घंटे के बाद पिए, सुबह उठते ही पानी पिए, एसिडिटी सबसे पहले खत्म होगी। और आखिरी दवा जो सबसे प्रभावी है, जिनको भी एसिडिटी की बहुत तकलीफ है, खाने के बाद
ये जो अजवाइन है ना, अजवाइन, इसको भूने तवे पे और थोड़ा काला नमक मिला के ले लें। मिश्री का सेवन बहुत अच्छा है, चीनी से बहुत अच्छा, लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा। मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है। तो चीनी छोड़ रहे हैं तो मिश्री पे चले जाइए, मिश्री छोड़कर गुड़ पे आ जाइए। हाँ, एक किसी ने सवाल पूछा है कि आप कौन सी जगह पे परमानेंट मिलते। मैं परमानेंट कहीं नहीं मिलता, लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि राजीव दीक्षित रेल आश्रमी है, माने हर दिन ज्यादा से ज्यादा मैं रेल में मिलता हूं। तो परमानेंट मिलने के लिए एक केंद्र है, आपको उसका पता किताब में है, वो आप ले लीजिए, फोन नंबर, वहां आप कोई भी चिट्ठी भेजेंगे, मैं जहां भी रहता हूं मेरे पास आ जाती है, और ईमेल करेंगे तो मैं हर जगह खोल खोल के मेरा मेल बॉक्स चेक करता रहता हूं। तो वो पता जो वर्धा सेवाग्राम का है, भारत पीठम 10 ज्योतवानी लेआउट, सेवाग्राम रोड, सेवाग्राम, जिला वर्धा, महाराष्ट्र, ये मेरा परमानेंट केंद्र है, वहां आप पत्र भेज सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। वहां फोन कभी भी करें तो पता चल जाएगा मैं कहां हूं। और मेरा मोबाइल नंबर आप सबको मैं चाहूं तो लिखा देता हूं, 9422904290359 9422903599, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और ईमेल एड्रेस है RAJIVDIXITABA@rediffmail.com। और निरंजन भाई, प्रदीप भाई, ये कभी भी आप इनको संपर्क करेंगे तो ये कहीं भी खोज के बताएंगे कि मैं कहां हूं। अभी मेरे पास एक प्रश्न है, वो इस समय के विषय से तो नहीं जुड़ा, लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूं। आजकल हमारे घरों में पेप्सी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है। पेप्सी कोक कम हुआ है पिछले 2-3 साल में, अच्छा हुआ, नूडल्स खाया जा रहा है। तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है, कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल्स। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है, 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है, बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल्स, सुअर के मांस का रस, सड़ा हुआ मैदा, 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना है। एक प्रश्न है जिसका उत्तर दे नहीं सकता, किसी ने कहा आज की शिक्षा बहुत बेकार है, वैकल्पिक शिक्षा की बात बताइए, तो समय ज्यादा है, आप मुझे ईमेल करिए, मैं लंबा जवाब दूंगा। गाय का घी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था, तो वो उत्तर दे चुका हूं, फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि गलती ना करें। घी को हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं, गाय का घी नाक में डालने के लिए हमेशा हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं। और एक ही बूंद एक नाक में, दूसरी बूंद दूसरी नाक। हां, एक बहुत अच्छा सवाल है, दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं? सबसे अच्छा सेंधा नमक खाएं, और इसको याद ऐसे रखें, पत्थर वाला नमक खाएं, यह समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं। पत्थर वाला नमक, एक तो सेंधा नमक है, दूसरा नमक है जो काला नमक है, ये आप ज्यादा उपयोग करें। मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंत बदल दें, बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा, आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की, आर्थराइटिस की, ये नमक बदलने से ही बहुत आराम दे देगी आप। तो सेंधा ही नमक। किसी ने कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा, 3 दिन खराब लगेगा, 3 दिन, 4th दिन से अच्छा लगेगा, तो छोड़े नहीं उसको। एक दिन खराब लगा, छोड़िए मत, दूसरे दिन भी लीजिए, तीसरे, गोमूत्र अर्क है ना तो एक चम्मच से ज्यादा मत लीजिए, और गोमूत्र प्योर है तो आधा कप लीजिए। किसी को प्रश्न है कि दिन भर नींद आती रहती है, क्या करें? वैसे तो नींद आए तो अच्छा है, लेकिन दिन भर नींद आए तो अच्छा नहीं है, तो क्या करें? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक क्षार बहुत कम है, और ये वही क्षार है जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है चूने से। जिनको दिन भर नींद आती है वो चूना खाएं, मट्ठे में मिला के, छाछ में मिला के। नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं, किसी ने पूछा है, लगाएं, जरूर लगाएं।
नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चेन्नई में रहते हैं। अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल का तेल, चेन्नई में रहते हैं तो जरूर खा सकते। मालिश करना चाहें जरूर करें। डायबिटीज के लिए क्या करें? डायबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था, मेथी दाना और त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण माने हरडे बहेड़ा आंवला 1-2-3 अनुपात वाला त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, दोनों मिलाकर गर्म पानी में रात को रख दें। सवेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें। 3-4 महीने नियमित करेंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है। और नहीं आए 3-4 महीने में ब्लड शुगर नॉर्मल तो एक मुझे ईमेल जरूर करें या फोन करें। शुगर खाना नहीं खाना, चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि यही अकेली चीज है जो पचती नहीं आसानी से, बाकी चीनी छोड़कर कुछ भी खाइए। पथरी अगर है शरीर में और थायराइड, थायराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता, है ना, धनिया पत्ता इसकी चटनी, धनिया पत्ते की चटनी बनाइए, पानी में मिला के पी जाइए, पानी गुनगुना रहे। कितनी चटनी? 1 चम्मच चटनी, उसमें कुछ डालिए मत, नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं, खाली धनिया पत्ते की चटनी। और जब तक धनिया मिल रहा है तो ये हरे पत्ते की चटनी, धनिया मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया। ये धनिया जो है ना थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। पथरी, पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रख, कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको, पाखंड भेद, शोभा कांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए, ये जो पाखंड वेद है ना इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस। पाखंड वेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, वो पूछेगा कैसे दूं तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं, 1-1.25 महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी। और नहीं तो पाखंड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले लें। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। पानी में चूना मिला के पी सकते हैं, जरूर पीजिए, पथरी वाले नहीं। दांतों का दर्द, दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग। लौंग इस्तेमाल करिए, लौंग का तेल इस्तेमाल करिए, और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहिए, और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए, दंत मंजन करते रहिए, पेस्ट बंद कर दीजिए। हां, अभी एक जरूरी प्रश्न आया, शराब और गुटखा छोड़ने के लिए क्या करें? जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये बहुत लोगों के काम। शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी, ये 5 बुराइयां व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई हैं और देश का सर्वनाश किया है। इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ति से बचें तो अच्छा है। भागवत जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ति के साथ आइए तो अच्छा है। नहीं है संकल्प शक्ति तो दवा का उपयोग करें। तो क्या दवाएं हैं आपके पास? सबसे अच्छी दवा है शुद्ध गाय का मूत्र, अर्क नहीं, शुद्ध गाय का मूत्र। दूसरी दवा आपके घर में है अदरक या सौंठ। जिनको शराब से छुड़ाना है, बाहर निकालना है, उनको अदरक और सौंठ ज्यादा खिलवाइए, रस पिलवाइए अदरक का, सौंठ का काढ़ा बना के दीजिए, गुड़ मिला के दे सकते हैं सौंठ का काढ़ा बना के, और गोमूत्र पीने को बोलिए। नियमित रूप से अगर 1/2 कप भी गोमूत्र पिया तो 1.25 महीने में शराब छूट जाती। शराब जो पीते हैं, बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, उनके शरीर में एक केमिकल बढ़ जाता है, उसका नाम है सल्फर, और सल्फर को कम करने के लिए सल्फर ही चाहिए। आयुर्वेद में कहा है ना कि विष को विष मारता है,
तो सल्फर बढ़ता है, तो सल्फर कम करने के लिए बाहर से सल्फर चाहिए, और बाहर का सबसे अच्छा सल्फर गोमूत्र में है। सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम ज्यादा है, बार बार है, सबसे अच्छी दवा है, आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका, कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है। दूसरी शहद नहीं लेते तो गुड़ है, तो बच्चों को गुड़ दीजिए ज्यादा। एक उनको चूना भी दे सकते हैं, चूना कफ का भी नाश करता है, वात का तो करता ही है, कफ का भी करता, तो चूना दे सकते हैं, गाय का घी नाक में डाल सकते हैं। हल्दी जबरदस्त कफ नाशक है, तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए, और दूध हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं उसके लिए, पित्त बढ़ा है तो क्या करें, देशी गाय का घी खाइए, देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डालकर पिए तो सब पित्त को शांत करेगा। और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है, अजवाइन और काला नमक, ये भी पित्त बढ़े तो शांत करेगा उसको। एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले, कोई एक महिला है, उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है, ये मुझे शाम को मिले 4 बजे। बाल उड़ गए तो क्या करें, बाल कम हो गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें, तीनों में एक उपाय है, दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए, तो इसको बालों में मालिश करें, 1 घंटे के बाद बालों को शीकाकाई से धोएं, हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। त्रिफला शहद और गुड़ के साथ, सबसे अच्छा है गुड़ के साथ सुबह खाएं, और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी खाएं। त्रिफला को औषधीय के रूप में लेना है, औषधि ऐसी जो धातुवर्धक है, तो सुबह ही खाएं, और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है, माने पेट साफ करे, तो रात को ही खाएं सोने के पहले। बहुत ज्यादा छींके आती हैं, नाक से पानी गिरता है, थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डालें, 15-20 दिन में छींके भी बंद होंगी, पानी गिरना भी बंद। केवड़ा डालकर जल पी सकते हैं क्या गर्मियों में? केवड़ा एक होता है ना आयुर्वेदिक औषधि, केवड़ा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में, मार्च अप्रैल मई जून, बारिश जैसे ही शुरू हो केवड़ा वाला जल बंद कर दीजिए। केवड़ा और एक होता खस, ये दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में। अर्जुन की छाल लेने का समय सवेरे का, काढ़ा बनाकर दूध में नहीं तो पानी में, शक्कर नहीं मिलाएं उसमें, गुड़ मिलाएं अर्जुन की छाल। टॉन्सिलाइटिस की रेमेडी, टॉन्सिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी, हल्दी का दूध बच्चों को रात को पिलाएं, टॉन्सिल नहीं होगा। पिपरमेंट के बारे में किसी ने पूछा है, आप शाम को 4 बजे मिले, मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा है तो मैंने आपसे बार बार कहा है क्षारीय चीजें ज्यादा खाएं, एसिड निकल जाएगा। सबसे अच्छी क्षारीय चीज गोमूत्र पी लें, यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता है गोमूत्र, लेकिन प्योर गोमूत्र। उड़द की दाल दालों का राजा है, बिल्कुल सही है, लेकिन दही के साथ नहीं। खाली उड़द की दाल खाइए, दालों का राजा है, बिल्कुल सही बात है, दही के साथ नहीं, दही के साथ ये जहर है। सुबह दूध पी सकते हैं, मैंने मना किया है, सुबह जूस पीना है, दोपहर को छाछ और रात को दूध, लेकिन पीना ही है अगर तो आंवले के साथ पिए, ना पिए तो अच्छा, सुबह का दूध ही पीना है तो आंवले के साथ। मोटापा कम करने के लिए उपाय बता दीजिए, आप लिख लीजिए इसको, नहीं तो याद कर लीजिए। जिनको भी मोटापा कम करना है उनको क्षारीय चीजें ज्यादा खानी है, तो मैंने आपसे कहा गाजर खाइए, गाजर नहीं खा सकते दूध ही खाइए। अब खाएं कैसे, गाजर को कद्दूकस में घिसिए और उसके लच्छे बनेंगे। फिर थोड़ी एक और क्षारीय चीज आपको आजकल उपलब्ध है, सेब, सेब पूरा क्षारीय होता है, तो सेब को कद्दूकस में घिसिए, दोनों बराबर मात्रा में मिला के सुबह पेट भर के खा लीजिए, 3 महीने लगातार खाइए। फिर अगले 3 महीने इसको बैलेंस करने के लिए आंवला खा लीजिए, आंवला 2-3 आंवला रोज मुरब्बे के रूप में, या कह फिर 3 महीने आंवला हुआ फिर वापस इस गाजर और इस पे आ जाइए, तो साल भर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से 1/3 वजन तो आपका घट ही जाएगा, हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए। ह्यूमन यूरिन के बारे में आपने पूछा, मैंने पहले ही बताया अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन गोमूत्र उससे हमेशा बेहतर है। बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर में, इसके लिए क्या करना, खजूर खिलाइए। खजूर छोटे छोटे टुकड़े काटकर बच्चों को, खजूर दूध में डालकर, छोटे छोटे टुकड़े दूध में डालकर उबालिए, खूब उबल जाए, फिर वो दूध पिलाइए, खजूर खिलाइए, तो रात का बिस्तर का पेशाब उनका बंद हो जाए। वो एक प्रश्न है, वो कब्जियत से जुड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें, रात को त्रिफला चूर्ण खा के सो जाइए, नहीं तो दूध में घी मिलाकर पी लीजिए, ये सबसे अच्छा है। दूध में घी मिला के रात को सोने से पहले पिए तो सवेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है, नहीं तो त्रिफला भी ले सकते हैं। 3 महीने, देखिए एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कह, लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की 3 महीने से ज्यादा मत खाइए, और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए, 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले 3 महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए फिर। ये नियम बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकती। पीठ की हड्डी में दर्द है, चूना, चूना खाइए। बच्चों को खांसी की एलर्जी अगर है तो नियमित रूप से, मैंने कहा ना, ऐसी चीजें दीजिए, कफनाशक है, सोंठ है, पान का पत्ता है, शहद है, गुड़ है, ये सभी कफनाशक हैं। कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है? अगर छोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना देकर आंवला दीजिए, और त्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा 3-4 साल हो जाने दीजिए उनका, 3-4 साल के पहले दे सकते हैं तो आंवला दीजिए। और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आंवला ही अच्छा है, त्रिफला उनको ना ही दें, त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है। बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तरीका मैंने वही बताया, चूना सबसे अच्छा है, अधिक उम्र में चूना सबसे अच्छा अर्थराइटिस के लिए, घुटनों के दर्द। एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी घूट घूट पीने लगेगा। जल्दी भूल जाए, स्मरण शक्ति कम हो, गाय का घी नाक में डालना सोते समय, नींद जल्दी ना आए तो क्या करना, गाय का घी नाक में डाल के सोना। हां, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें, तो मैंने तो बोला था कि ये बंद कर दें। अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कचरे को इकट्ठा करने की, घर में डिब्बे डिब्बे इतने इकट्ठे रहते हैं, फालतू पड़े रहते हैं, फेंकते नहीं, हमें हमेशा ये सोचते कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे, तो ये चक्कर घुस गया। अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना। तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है। तो एक बहन ने या किसी ने सवाल ये लिख के भेजा है कि फ्रिज में से हमने सब्जी निकाल के 48 मिनट रख दी तो अब उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई, वो 48 मिनट का जो किस्सा मैंने बताया ना, तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए, किसी तरह इसका उपयोग होता रहे। तो ये मजबूरी का खेल है, लेकिन कर लीजिए कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में, अगर उसको पकाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो निकाल के 48 मिनट रख दीजिए, फिर उसका उपयोग कर लीजिए सब्जी के रूप में। नहीं तो एक चीज मत करिए कभी भी, कोई भी चीज एक बार गर्म करके आपने फ्रिज में रख दी तो दोबारा गर्म मत करिए, वो दूध हो या सब्जी हो या दाल हो, करिए ही मत। क्या करना, निकाल के रख दीजिए, 48-50 मिनट रखी रहे, वो अपने आप थोड़ी गर्म हो जाएगी, प्रकृति की गर्मी, फिर वही खा लीजिए। गर्म तो दोबारा बिल्कुल मत करें, फ्रिज के दूध को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की दाल को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की सब्जियों को दोबारा गर्म मत करें। चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रख के खाइए, दही भी फ्रिज में, दही रख देते हैं 48 मिनट रखा रहने दीजिए, फिर आप उसका उपयोग करिए, तुरंत निकाल के और छाछ बना के वो बिल्कुल मत करें। मेवा खाना चाहिए कि नहीं, सूखा मेवा जरूर खाइए, ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाइए, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अनुकूल हैं, आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं, सबसे अच्छा बादाम आपके अनुकूल है, आपके अनुकूल काजू नहीं है, बादाम बहुत अनुकूल है मद्रास में रहने वालों को, काजू अनुकूल है जम्मू कश्मीर में रहने वाले, तो बादाम भरपूर खा सकते हैं। और जो दूसरी चीज अनुकूल है, मुनक्का, किशमिश, किशमिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर है,
बड़ी किशमिश को मुनक्का, तो मुनक्का और किशमिश ये आपके बहुत अनुकूल है, बादाम आपके बहुत अनुकूल है, मखाना, मखाना 50-50 है, ज्यादा अनुकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो झारखंड वालों को, आपके लिए 50-50, ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनुकूल है, बीच का है। और बाकी जो अखरोट वगैरह हैं ये आपके अनुकूल नहीं, अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को, आपके लिए अखरोट बिल्कुल अनुकूल नहीं। और ड्राई फ्रूट्स क्या खाते हैं आप? चिरौंजी, चिरौंजी क्या कहते हैं उसको, जो चिरौंजी है वो आपके लिए अनुकूल है, चेन्नई के आसपास के लोगों के लिए अनुकूल है, वो आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट शायद इसके आगे हैं, हाँ केसर, केसर अगर आप खाएं, वैसे तो औषधि है ड्राई फ्रूट नहीं, लेकिन ये 3 महीने के आगे नहीं खा सकते, नवंबर दिसंबर जनवरी, और दूध में मिला के मिश्री, पिस्ता, पिस्ता 50-50 है। अंजीर बहुत अनुकूल है सिर्फ एक ही किस्म के लोगों के लिए, इसको मैं आपको कहता हूं, जरा ध्यान से सुनो, जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है, शक्ति की कमी लगती है, ताकत कम है, शक्ति कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है, लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं इसको। चेंदारू क्या होता है? एप्रिकॉट, हाँ एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है, आप खा सकते हैं एप्रिकॉट। एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है, और वो सुझाव मुझे स्वीकार है, वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो, हाँ, और बाबूजी बोलेंगे वैसे, मेरा ऐसा कहना जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है, फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं। तो नियमित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था अगर आप सब मिलके करें मुझे स्वीकारें, सुबह का पानी तांबे के बर्तन का पी सकते हैं जिनको कब्जियत की बहुत तकलीफ है, लेकिन शरीर में तांबा ज्यादा हो तो वो नहीं पिए, लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सादा बर्तन का, माने वो पीतल के उसमें रखा हुआ या कांसे के उसमें रखा हुआ, नहीं तो स्टील में रखा हुआ, गर्मी के दिनों में घड़े का, मिट्टी के घड़े, तांबे का पानी पी सकते हैं, हाँ, क्योंकि कुचालक है ना लकड़ी, और तांबा बहुत ज्यादा सुचालक है, एक होता है कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर, तांबा सबसे बड़ा कंडक्टर है और लकड़ी सबसे बड़ा बैड कंडक्टर है, तो ये अगर आपने तांबा पिया माने तो अर्थ के साथ जो कांटेक्ट है ना नंगे पांव, तो वो खत्म करेगा आपको, इसलिए पांव में चप्पल रहे, लकड़ी के पट्टे पे खड़े रहें, प्लास्टिक की चप्पल पहन के हो, रबर की चप्पल पहन के हो, तभी तांबे के बर्तन का पानी पीना अच्छा है। केन वाटर, बहुत लोग आजकल केन वाटर पी रहे हैं, ऐसा प्रश्न आया, तो ये क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप बोले फिर क्या करें, आपके घर जो पानी आ रहा है टैप वाटर, इसको खूब अच्छे से उबाल लें, उबाल कर इसको रख लें, फिर उसी को पिए, ये केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है। केन वाटर पता है क्या है, ये पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी, उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन इस्तेमाल होता है, और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है, और केन वाटर का टेस्ट सादा पानी से बिल्कुल अलग होता है, तो केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है टैप वाटर, लेकिन उबाल कर रखा गया। हाँ एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा, शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा, महिलाओं से संबंधित ये सवाल है मेंसेस पीरियड का, दो सवाल आए हैं, एक तो ये है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है तो क्या करें, तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए, उसका नाम है शतावरी, शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान, शतावरी चूर्ण के रूप में ले लीजिए, इस शतावरी चूर्ण को दूध में मिला लीजिए और रात को जरूर पीजिए, दूध हल्का गर्म रहे, और शतावरी डाल के दूध उबाल भी सकते हैं, फटता नहीं, शतावरी, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है शतावरी। और दूसरी कि जब भी मेंसेस पीरियड आता है, बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, इचिंग बहुत होती है,
तरह तरह की खुजलियां होती हैं शरीर में, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह। तो आपका जब भी मेंसिस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायु बहुत बढ़ी हुई है, पित्त भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसका बहुत आसान उपाय मैं बता देता हूं, भागवत जी का है, मेरा नहीं। वो ये कहते हैं कि मेंसिस पीरियड में सब कुछ ठीक रहे, समय से आए समय से जाए, ज्यादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो, इस सब चीज ठीक रखे के लिए गरम गरम पानी में, जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है, घी मिला के पिए। गरम गरम पानी में, खूब गरम पानी में, गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी घी, भैंस का भी चलेगा, एक चम्मच मिलाएं, आधा गिलास खूब गरम पानी खौलता हुआ घी मिला दें, थोड़ा पीने लायक हो जाए उतनी देर रखें, फिर उसको चुस्कियां ले लेकर पिएं। अगर आपका मासिक 5 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 3 दिन, दिन से मतलब नहीं, जितने दिन चलता उतने दिन, कितनी बार पी सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार पी सकते हैं। तो अगर आपने ये शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ। मेनोरेजिया है तो ठीक होगा, मेट्रोरेजिया तो ठीक होगा, सब सब ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार हैं, हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है और पानी में घी मिला के किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए मेंसिस पीरियड, ये घी पानी मेंसिस पीरियड में ही पिए, इसको ध्यान से सुने। मेवा से वेट बढ़ता है, काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता, काजू ही है जो वजन बढ़ाता है, बाकी कोई भी सूखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता। मुंह से बदबू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है, तो रात को त्रिफला खा के सो, नहीं तो दूध और घी मिला के पियो, सुबह उठते ही पानी पी लो, मुंह की बदबू बंद। हाथ पैर सुन्न हो जाते, मतलब चूना खाते रहिए। हां, अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीभ फट जाती है, तो आप चूना अगर सीधे जीभ पे खाएंगे तो फटेगी, पानी में डालकर खाएंगे कभी जीभ नहीं फटेगी, दही में डालकर खाएंगे नहीं फटेगी, मट्ठे में पिएंगे तो नहीं फटेगी, जीभ पर चाटेंगे चूना तो जरूर जीभ फटेगी। अब किसी ने एक सवाल पूछा, हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए, वो किताब में पूरा है, आप पढ़ लीजिए। टीबी पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस, तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाइए। अगर खाली गोमूत्र, शुद्ध गोमूत्र, अर्क नहीं, खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो 3 से 4 महीने में टीबी जड़ से ठीक होती है। दही में या तो छाछ में या तो पानी में, नहीं तो पान में, चूना ये पान में जो खाते हैं वो ही। और 5 मिनट रुकिए, मैंने मेरा कंक्लूड किया है, लेकिन ये आज के लिए है, जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है, ये तो रास्ता अभी खुला है जिंदगी के।